हे गाइस, मैं हूँ विशाल और मेरे इस नए चैनल द स्पिरिट्स क्लब के पहले वीडियो में आप सबका दिल से स्वागत है। मैं एक प्रोफेशनल बारटेंडिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी कुछ पढ़ा या सीखा है वो सब आपके साथ शेयर करूँ, स्पेशली जो होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है और F&B डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई बारटेंडर्स है या फिर बारटेंडर्स बनना चाहते हैं, तो आपको अल्कोहल के बारे में नॉलेज होना ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अल्कोहल के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है तो आप गेस्ट को कॉन्फिडेंटली कोई भी कॉकटेल या ड्रिंक सजेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस चैनल के थ्रू मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको हर एक लिकर और उनके कॉकटेल के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर बियर के साथ। बियर, ये शब्द सुन के ही काफी लोग खुश हो जाते हैं, है ना? तो क्या है बियर? बियर एक कार्बोनेटेड बिटर अल्कोहलिक ड्रिंक है जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा सेवन की जाने वाली ड्रिंक है, जो बनती है ब्रीविंग और माल्ट को फर्मेंटेशन करके और उसे फ्लेवर किया जाता है हॉप्स के साथ। बियर में चार मेन कंपोनेंट होते हैं और वो है वाटर, माल्ट, हॉप्स और यीस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पानी के बारे में। 85-90% बियर में पानी होता है। बियर का टेस्ट, उसका कैरेक्टरिस्टिक उसमें यूज होने वाले पानी पर निर्भर रहता है। अब सोचोगे पानी तो पानी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बियर बनाते समय उसमें यूज होने वाले पानी की क्वालिटी और उसकी प्योरिटी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उसके प्रोडक्शन पर, और उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स की मात्रा हर जगह कम अधिक होती है। हमें अलग अलग स्टाइल का बियर बनाने के लिए हमें अलग अलग पानी का ज़रूरत पड़ता है। पानी का जो pH लेवल होता है वो बियर के बिटरनेस पर काफ़ी असर करता है। पानी में 5 तरह के आयन होते हैं जो बियर पे पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं, और वो है क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और सोडियम। तो इसीलिए पानी बहुत ही अहम रोल निभाता है बियर बनाने में। दूसरा है माल्ट। ये एक तरह से बियर का बॉडी और सोल है। मोस्टली ये बनता है बार्ले से या अन्य सीरियल ग्रेन से भी इसे बनाया जा सकता है, जैसे कि राई, कॉर्न, वीट, राइस, ओके। इन ग्रेन्स को जर्मिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस होने के बाद ही माल्ट कहा जाता है। ये अल्कोहल प्रोड्यूस तो नहीं करता है, पर बियर को फ्लेवर और कलर देता है, और इट डिपेंड करता है कि माल्ट को कितने टेम्परेचर पर रोस्ट किया गया है। जितना हायर टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज़्यादा फ्लेवर और डार्क कलर बियर को मिलेगा। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है हॉप्स। ये एक ह्यूमुलस पेड़ का फ्लावर होता है और इसका सिर्फ फीमेल फ्लावर ही बियर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। हॉप्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दोस्तों अमेरिका और जर्मनी में होता है। इसके अलावा और भी कई कंट्री में इसका प्रोडक्शन लिया जाता है। हॉप्स बियर में अरोमा और बिटर फ्लेवर लाता है। ये बियर में एक प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट की तरह भी काम करता है और उसे लंबे समय तक फ्रेश रखता है और उसे सार होने से बचाता है। हॉप्स के कई डिफरेंट टाइप होते हैं और हर एक हॉप का अपना कैरेक्टरिस्टिक और अल्फा एसिडिक लेवल अलग अलग होता है। हॉप्स में जितना ज़्यादा अल्फा एसिड रहेगा उतना ज़्यादा बियर में बिटरनेस आएगा। हॉप्स में अल्फा एसिड का परसेंटेज डिपेंड करता है उसके ग्रोइंग कंडीशन, ड्राइंग मेथड और एज के ऊपर। हम किस स्टाइल की बियर बनाना चाहते हैं ये भी डिपेंड करता है हमारे हॉप सिलेक्शन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, लागर बियर प्रोडक्शन में लो अल्फा एसिड वाला साज और हेलिटियोर यूज करते हैं, जिसका अल्फा एसिड कंटेंट 2-5% तक रहता है, और IPA बियर में हाई कंटेंट वाला जैसे कि कास्केड, शिनो, जिसका परसेंटेज रहता है 4.5-14% तक का। हमारा फोर्थ और लास्ट इंग्रेडिएंट है यीस्ट। यह एक सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसे फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है। माल्ट और पानी से जो शुगरी लिक्विड बनता है हम उसे वर्ट कहते हैं। उस वर्ट में इसे ऐड कर दिया जाता है और वो यीस्ट शुगर को अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट करते हैं, जिस वजह से बियर को एक पर्टिकुलर टेस्ट मिलता है। दोस्तों, बियर में दो टाइप के यीस्ट यूज किए जाते हैं और वह है यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, जिसे ए लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे टॉप फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है।
एंड सेकेंड है साइक्रोमाइसिस कार्लबोगेंसिस, जिसे लागरिस से भी जाना जाता है, और ये बॉटम फर्मेंटेशन में यूज होता है। दोस्तों साइक्रोमाइसिस का मतलब होता है शुगर फंगस। अब ये हो गया इंग्रेडिएंट्स के बारे में, अब हम देखते हैं कि ये किस प्रोसेस से बनती है। बियर का फर्स्ट स्टेप होता है माल्ट बनाना, देन सेकेंड मिलिंग प्रोसेस, जहां माल्ट को मिल में पीसा जाता है और उस क्रश्ड माल्ट को कहा जाता है ग्रिस्ट। देन थर्ड स्टेप मैशिंग, इसमें ग्रिस्ट को ऑलमोस्ट एक घंटे के लिए वार्म वाटर में सोक करके रखा जाता है ताकि उसका स्वीट स्मेलिंग मैश बन सके, यानी माल्ट में जो शुगर है उसे लिक्विड में निकाला जा सके। फोर्थ है लाउटरिंग प्रोसेस, ये मैश को प्यूरीफाई तो नहीं करता बट ग्रेन और लिक्विड को सेपरेट करता है, उस लिक्विड को कहा जाता है वर्ट। फिर उस वर्ट को बॉइलिंग प्रोसेस में हॉप्स के साथ बॉइल किया जाता है ताकि हॉप्स उस वर्ट में फ्लेवर रिलीज कर सके। इसमें हॉप्स की क्वांटिटी 18-40 मिलीग्राम पर लीटर होती है। ये प्रोसेस लगभग 1-2 घंटे तक चलती है। फिर उसे अगले प्रोसेस के लिए वर्लपूल टैंक में भेजा जाता है। ये एक तरह का फिल्टरिंग डिवाइस होता है। हॉप वर्ट बॉइल करने के बाद उसमें जो हॉप्स के सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो उसे उस लिक्विड से अलग करता है। अगला प्रोसेस है हॉप बैग, ये टैंक वर्लपूल और वर्ट चिलर टैंक के बीच में होता है। वर्लपूल प्रोसेस के बाद इस लिक्विड को हॉप बैग टैंक में ट्रांसफर किया जाता है और उसमें फिर से हॉप्स ऐड किया जाता है ताकि बियर को और ज़्यादा एरोमा और फ्लेवर मिल सके, क्योंकि बॉइलिंग प्रोसेस में हॉप्स के एरोमेटिक कंपाउंड्स इवेपोरेट हो जाते हैं। इसी टैंक से ये फिल्टर होके आगे एक ये क्लियर लिक्विड बनाता है जिसे तुरंत वर्ल्ड चिलर में ठंडा किया जाता है 8-13 टेम्परेचर के बीच में ताकि यीस्ट अच्छी तरह से फर्मेंट हो सके। अगर उसे जल्दी ठंडा नहीं किया गया तो उसमें बैक्टीरिया हो सकता है जिसे वर्ल्ड सप्लायर कहते हैं, जो उसका यानी बियर का फ्लेवर खराब कर सकता है। इस लिक्विड को बाद में मूव किया जाता है फर्मेंटेशन टैंक में और उसमें यीस्ट ऐड कर दिया जाता है और ये यीस्ट वर्ल्ड में जो ग्लूकोज होता है उसे इथाइल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट करता है। दोस्तों फर्मेंटेशन के दो टाइप होता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, एक टॉप फर्मेंटेशन एक बॉटम फर्मेंटेशन। टॉप फर्मेंटेशन एल बियर प्रोड्यूस करता है जिसमें साइक्रोमाइसिस सर्वेसियस यूज किया जाता है, जो बियर के सरफेस पे एक फोमी हेड बनाता है और ये यीस्ट बॉम टेम्परेचर में फर्मेंट होता है। बॉटम फर्मेंटेशन यानी लागर बियर बनाता है और ये ठंडे टेम्परेचर पर फर्मेंट होता है। फिर लास्टली उसे ट्रांसफर किया जाता है कंडीशनिंग टैंक में ताकि हमें एक क्लियर और पीने योग्य बियर मिल सके। फर्मेंटेशन के बाद उस लिक्विड को ग्रीन बियर कहा जाता है। ये दिखने में काफ़ी क्लाउडी और अनसेटल्ड बियर होती है जिसे यूजुअली फर्मेंटेशन के बाद कंडीशनिंग टैंक में मैच्योर करते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद बियर में जो डेड यीस्ट और सेडिमेंट्स होते हैं वो बियर में कोई खराब फ्लेवर या कोई हार्मफुल कंपाउंड्स ना बना सके। बियर का मैच्योरेशन पीरियड होता है मिनिमम 2 हफ्ते और कुछ ब्रूअर्स इसे कुछ महीने या साल तक भी मैच्योर करते हैं, और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है वो किस स्टाइल की बियर बनाना चाहता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको बियर के टाइप्स और उनकी स्पेशलिटी बताने वाला हूँ। आई होप मेरी ये पहली वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव ज़रूर दें ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस को बेहतर और इंटरेस्टिंग बना सकूं, ताकि आपको भी देखने और सीखने में अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ स्टे हैप्पी।